क्वेश्चन नंबर 2.34 देखेंगे, क्या कहा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535, यानी कि ये जो वेपर प्रेशर दिया हुआ ये प्योर वाटर का है ना, एट गिवन टेम्परेचर, तो ये पी नॉट ऑफ डी एच टू। ठीक है, आगे कहा गया कि अगर 450 ग्राम वाटर में हम 25 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। क्यों यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जब आप ग्लूकोज ऐड करेंगे वाटर के अंदर तो उसका जो वेपर प्रेशर था वो कम हो जाएगा, यानी कि लोअरिंग हो जाएगी, है ना। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो फार्मूला है वो यहाँ पर हम यूज़ करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। क्या फार्मूला था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू W अपॉन M मल्टीप्लाइड बाई M अपॉन W, है ना। तो यहाँ पे जो कैपिटल में है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल वाले लेटर्स सोल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। उस हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो पी नॉट की वैल्यू हमारी यहाँ पे दी हुई है, कितनी है, 17.535 mm ऑफ जी, है ना। और पी एस हमको कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, और यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू यानी कि यही आएगी, तो ये क्या हो जाएगी, 17.535 वही चीज़ रखनी है, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का 25 ग्राम लिया गया था, है ना, और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 180। ठीक है, आप इसका कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C6H12O6, है ना। तो ये 180 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय सॉल्वेंट का मोलर मास यानी कि वाटर का मोलर मास, तो वो 18 होता है, अपॉन वाटर का अमाउंट कितना लिया गया है, तो वो 450 ग्राम लिया गया है, है ना। तो ये पूरी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में जो आंसर मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू 17.445 mm ऑफ एच जी, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो इतना होगा, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले कितना था, पहले 17.535 था और अब 17.445, यानी कि कम हो गया, तो इसीलिए कम हुआ है क्योंकि आप उसमें जो है सॉल्यूट आपने उसमें मिला दिया है, आपने उसको सॉल्यूशन बना दिया है। ओके, थैंक यू।